Welcome to Discover Talent, friends. I'm your host Vinod. So today in this series we are covering MS Word, right? So without further ado, let's get started. So all right, welcome to the computer screen, guys. ठीक है, ये MS Word जो है हमारा, right? जो MS Word का use कैसे होगा, ये मैं directly वही screen पे आ गया हूँ. ठीक है, आप चाहिए तो take a tour करके explanation है यहाँ पे, आप देख सकते हो. तो MS Word से हम create कर सकते हैं document से resume, right? Calendar create कर सकते हैं, then office के कुछ documents है और maybe brochures, correct? Pivot shapes, एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, इवन आप यहाँ पे दोस्तों लेटर हेड भी क्रिएट कर सकते हो, कैलेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, सर्विस इनवॉइसेस, राइट, सर्टिफिकेट्स अगर चाहिए आपको, पार्टी इनविटेशन, फैक्स कवर शीट, ये सब आप यहाँ पे वर्ड पे क्रिएट कर सकते हो. एस्केप की प्रेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वर्ड दिखता कैसे है, राइट? तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा वर्ड. स्टार्ट कैसे करते हैं दोस्तों? सो बेसिक स्टार्ट पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको एक वर्ड का सिंबल आ जाएगा, राइट? यहाँ पे, और अदरवाइज आप यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड ओपन होगा, करेक्ट? क्लिक करना होगा आपको वहाँ पे, एंड देन इसका एक्सटेंशन है दोस्तों doc.doc एज एन उसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट, करेक्ट? और जो फाइल आप सेव करोगे वो .doc फाइल से सेव होता है, राइट? इसे कहते हैं हम मेनू बार, दिस आर दी मेनू बार्स. ठीक है, इसको मैं इच एंड एवरी मेनू को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने अपकमिंग इसमें सीरीज में. दिस इज द रूलर. ठीक है, रूलर अब बेसिकली अगर मुझे कुछ यहाँ पे टाइप करना है, हाउ आर यू, एंड देन मुझे टैप प्रेस करके यहाँ पे कुछ और लिखना है कंटेंट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रूलर सेट कर दूंगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है, अभी सपोज मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है एंड देन डायरेक्टली वहाँ पे टाइप करना है तो मैं टैप की प्रेस करके ऑटोमेटिकली टाइप कर सकता हूँ. ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली कुछ साइन आ जाएगा यहाँ पे, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, आगे कर सकते हो. दिस इज द रूलर बेसिकली. यहाँ पे स्क्रोल डाउन आप करोगे दोस्तों तो ये स्क्रोलर है. ऊपर अगर आप देखोगे सेव है, अंडू, रेडो, अगर आपको शायद से नहीं दिखता हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं जा रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे तीन ऑप्शंस है, सेव, अंडू एंड रेडो बटन. तो वहाँ पे वो क्विक एक्सेस टूल है जहाँ से आप डायरेक्टली पर्टिकुलर फंक्शन यूज कर सकते हो, जो कि हमें इजिली यहाँ पे भी अवेलेबल है, नॉट एन इशू फॉर दैट. ठीक है, बट वो क्विक एक्सेस टूल है. एंड देन दिस इज द स्टेटस बार. बेसिकली जो आप वर्ड्स यहाँ पे कुछ काउंट करोगे या फिर जो कुछ लैंग्वेज आप यूज करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली नीचे स्टैटिस्टिक्स आपको स्टेटस बार में शो करेगा, करेक्ट? यहाँ पे रीड मोड में ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे क्लिक करोगे तो. दिस इज द प्रिंट लेआउट मोड, ये मोड है पर्टिकुलर. एंड देन दिस इज द वेब मोड, जैसे आपको रीडिंग के लिए ईजी हो. एंड देन दिस इज द जूम इन जूम आउट, आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल को. मोस्टली हम प्रेफर करते हैं जो डॉक्यूमेंट हमारा यूज होता है, राइट दोस्तों, एमएस वर्ड में हम प्रिंट लेआउट में ही काम करते हैं उसे, करेक्ट? एंड देन अगेन जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, न्यू क्लिक करूंगा तो न्यू जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे ये कुछ टेम्पलेट्स है बेसिक से जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में कवर कर रखे है, वही मैं आपको यहाँ पे वापस दिखा रहा हूँ कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं वेलकम वर्ड पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट डाउनलोड होगा, अंदर मुझे एक्सप्लेन करेगा इच एंड इंडिविजुअल स्टेप एग्जैक्टली वर्ड कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो मैं आपका टाइम सेव करने के लिए ओवरऑल मैंने आपको गाइड कर दिया. ठीक है, सेव एज फाइल को सेव करने के लिए आप वन ड्राइव में भी सेव करते हो, शेयर एंड कोलाबरेट, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, आप किसी को शेयर करना है आपको फाइल पर्टिकुलर, और एट अ वन टाइम साइमल्टेनियसली वो भी काम कर सकते हैं आपके साथ में फाइल के ऊपर. ठीक है, कुछ विजुअल्स ऐड करने हैं आपको ऑनलाइन, तो ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा अपकमिंग वीडियो सीरीज में. तो फिलहाल के लिए ये वीडियो सीरीज में दोस्तों इतना ही.